बार के इस टॉपिक्स में मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा मच बेटर रहता है। एक क्वेश्चन है, 2 बार 0.75 प्लस 3 बार 0.78। इस बार बहुत ही क्वेश्चन डिफरेंट हो चुका है क्योंकि जो बार था वो आफ्टर आपके पॉइंट के बाद लगता था, बट इस बार कहाँ लग रहा है? पॉइंट से पहले। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? कई बार आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि वो जो वैल्यू है -2 में आती है, यानी कि नेगेटिव। अगर कभी भी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो उसको हम पॉजिटिव में लिखना हो तो हम बार लगा सकते हैं। ये मैं दोस्तों आपको बता दूँ, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके 2 प्लस 0.75 -3 प्लस 0.78, ये हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, इसको ब्रेक करिए, -2 प्लस 0.75 प्लस -3 प्लस 0.78। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस में है, ये भी वैल्यू माइनस में है, यानी कि हम इन दोनों को पॉजिटिव में कर देंगे, प्लस कर लेंगे तो वैल्यू तो माइनस की ही रहेगी। देखिए 3 प्लस 2 5, और 75, और ये भी 75 78, तो 1.53 आपके पास आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक किस प्रकार से करेंगे? -5 प्लस 1 पॉइंट की जगह आ गया 0.53, यानी कि हमने इसको ब्रेक किया है 1 प्लस 0.53, यानी कि हमारे पास ये डिजिट जो है लेस हो जाएगा -4 प्लस 0.53। और इसी को हमने फिर से अगेन ऐसे ही कंडीशन बन चुकी है, तो यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 4 बार 0.53। ठीक है दोस्तों, आके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, 0.23 बार। इस क्वेश्चन में कुछ खास है, खास क्या है, इसमें बार लगी है बट कुछ पे लगी है, कुछ पर बार नहीं लगी हुई है। ये बार जो है एक डिजिट पे लगी है, दो नहीं लगी है और दो पर लगी हुई है। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये भी पॉइंट के बाद आफ्टर ही, इसके बाद ही डिजिट पे बार लगी है, तो हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 4 2 3 को तो आप एक बार में लिख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा एक सामान्य तरीका है, इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं कि 4 2 3 को आपने लिखा ओवर नंबर ऑफ, हमें मालूम था, या मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी बार हटाते हैं तो नाइन्स लगते हैं, 9 9। मगर अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जिसके ऊपर बार ना लगा हो तो हम उसके जगह जीरोज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जीरोस, 9 9 0 आ जाएगा, और वही डिजिट जो है उसी डिजिट से माइनस कर लीजिए, तो 419 ओवर 990। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके लिए, 4.12 बार। इस बार देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। बहुत डिफरेंस है भाई, क्योंकि ये पॉइंट से पहले जीरो हुआ करता था, अब जो है भाई इसमें क्या है, फोर्स पहले आ रहा है, डिजिट आ रहा है। तो हम किस प्रकार से लिखते हैं? पहले छोटी सी आपको ये बता देता हूँ कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4 3/2 इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ये जो फोर होता है, ये वाली जो पोजिशन है हमारी, इस पोजिशन के ऊपर यानी कि हमारा फोर आ जाएगा। इसके बाद आफ्टर देन सेम प्रोसीजर रहेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, 1 है, यानी कि 1 2 ओवर। नंबर ऑफ डिजिट के ऊपर बार कितना है, 1 नहीं है, कितने पर नहीं है, एक पर, इसका आ गया 0। हर बार 0 आता है जितने भी बार नहीं लगा होगा जितने डिजिट के ऊपर, उतने ही हम 0 से लगाते हैं। तो और वही डिजिट उससे लेस कर देना है, 4 11/90, और सिंपली ये आपका आंसर आ चुका है।